हेलो एवरीवन, दिस इज़ कैरोलाइन वर्गिस और आज के क्लास में हम रूट वर्ड सीखेंगे। ये पार्ट 11 है। आज के क्लास के ख़त्म होते होते हमारे 110 रूट वर्ड्स तैयार हो चुके होंगे, विच वुड मेक 1100 वर्ड्स इंग्लिश के। सो इट्स अ बिग नंबर, बहुत ही बड़ा नंबर है, और इतने वर्ड्स आपके वोकैबुलरी में तैयार हो जाए तो आप मान सकते हो कि हाँ, आपकी इंग्लिश काफ़ी हद तक अच्छी है। लेकिन इतने वर्ड्स हम तैयार कैसे करेंगे, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, इसीलिए हम रूट वर्ड सीखते हैं। रूट वर्ड से क्या होगा, रूट वर्ड्स हम सीख जाएंगे। अगर हम रूट वर्ड्स को लर्न कर लेते हैं तो हर एक रूट वर्ड से 10 to 15 वोकैबुलरी तैयार होती है। ऑलराइट, हर क्लास में मैं आपको 10 रूट वर्ड्स सिखाती हूँ, तो एवरेज भी अगर हम 10 इंग्लिश के वर्ड्स समझ लें जो हमारे एक रूट वर्ड से तैयार होंगे, तो हमारे 1100 वर्ड्स तैयार हो जाएंगे। ऑलराइट, सो प्लीज़ आपको क्या करना है, आपको सिर्फ ये रूट वर्ड्स लर्न करने हैं अच्छे से अलॉन्ग विद द मीनिंग्स। आप एक बार इनको लर्न कर लोगे एंड मेक अंडरस्टैंड दिस थिंग फॉर श्योर कि ये जो आपके वर्ड्स हैं, ये आप एक दिन में बैठ के सब सारे 110 रूट वर्ड्स याद नहीं कर सकते। आपको इनको धीरे धीरे ही याद होंगे ये। ऑलराइट, रोज़ आप 10 करोगे दैट इज़ कूल, बट एक दिन में अगर आप 50 रूट वर्ड्स याद करने की कोशिश करोगे, नहीं होगा, आप भूल जाओगे। ऑलराइट, सो दिस इज़ समथिंग जो इसमें आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। 10 रूट वर्ड्स रोज़ के, मैं आपकी रोज़ क्लास ले रही हूँ, रोज़ मैं आपका 10 रूट वर्ड्स सिखा रही हूँ, तो आप रोज़ के रोज़ 10 वर्ड्स सीख सकते हो। इससे क्या होगा, जब आपके रीडिंग कॉम्प्रिहेंशंस, क्लोज टेस्ट, कोई आर्टिकल, कहीं पर भी आप एग्ज़ाम दे रहे होगे और ऐसे क्वेश्चंस होंगे, तो इन क्वेश्चंस में क्या होता है, हम वी आर फॉर श्योर कि ऐसा कोई ना कोई वर्ड आएगा जो हम पहली बार देखेंगे या पहली बार पढ़ेंगे। तो उनको पढ़ के उनको आंसर कैसे करना है, वेरी सिंपल। अगर आपको उनमें रूट वर्ड क्या है वो समझ में आ गया, तो फिर काम बाकी का आसान है, क्योंकि वो रूट जो भी रूट वर्ड यूज़ होता है जिस भी वर्ड में, एक पर्टिकुलर रूट वर्ड के जितने भी वर्ड्स होते हैं उन सब का एक ही मतलब होता है, मिला जुला के कहीं ना कहीं से वही बात निकल रही होती है। सो अगर आपको रूट वर्ड समझ में आ जाते हैं इन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशंस में, क्लोज वर्ड्स में, कोई पर्टिकुलर वर्ड का रूट वर्ड क्या है, तो आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि वो किस बारे में बात हो रही है। सो उसके लिए आपको रूट वर्ड याद करना पड़ेगा। ऑल राइट, सो हमारा फर्स्ट है आज का एस्थ या एस्थ, जिसका मतलब है फीलिंग या अच्छी फीलिंग है। इट्स यूजुअली अबाउट ब्यूटी। ऑल राइट, ये ब्यूटी के बारे में बात है। फॉर एग्जाम्पल एस्थेटिक, इट मीन्स ब्यूटिफुल। ऑल राइट, एस्थेटिक का मतलब है ब्यूटिफुल। सेकेंड है हमारा एथनो। एथनो का मतलब है रेस। रेस का क्या मतलब है, रेस में दौड़ रहे हैं, वो वाला रेस नहीं, रेस होता है यहाँ पे पीपल। पीपल के बारे में, जो पीपल के से रिलेटेड जो रेस होता है, फॉर एग्जाम्पल ऑस्ट्रेलियंस एक पर्टिकुलर रेस है, अफ्रीका में एक पर्टिकुलर रेस मिलती है, जो लोगों के जो बोलते हैं ना कास्ट, क्रीड। तो रेस क्या होता है, रेस होते हैं जो डिफरेंट टाइप के, आप समझ रहे होंगे, अफ्रीकन्स आर डिफरेंट काइंड ऑफ रेस, इंडियंस दूसरे काइंड के रेस हैं। सो उससे रिलेटेड जब होता है तो उसको हम बोलते हैं एथनो। ऑलराइट, फॉर एग्जाम्पल एथनोसेंट्रिक। एथनोसेंट्रिक का मतलब क्या है, लोगों के रेस से रिलेटेड है, लोगों के रेस के से सेंटर्ड है, मतलब इसका कोई पर्टिकुलर चीज़ का एथनोसेंट्रिक है का मतलब है कि वो उनका इसका सेंटर है कि लोगों के रेस के बारे में बात होगी। ऑलराइट, नेक्स्ट है यू, ई यू, जिसका मतलब है गुड। फॉर एग्जाम्पल यूफोरिया, यूफोरिया का मतलब है एक फीलिंग ऑफ गुडनेस। ऑलराइट, नेक्स्ट वर्ड है एक्स। एक्स का मतलब है फ्रॉम या आउट, आउटसाइड या उसमें से निकल के। फॉर एग्जाम्पल एक्सहेल, जिसका मतलब है हम, हेल का मतलब है जो हम सांस लेते हैं, एक्सहेल का मतलब है जब हम सांस बाहर करते हैं, मतलब ब्रीद इन ब्रीद आउट, तो ब्रीद आउट को बोलते हैं एक्सहेल। नेक्स्ट है एक्स्ट्रा या एक्स्ट्रो, जिसका मतलब है बाहर, जहाँ पे भी एक्स लगता है उसका मतलब है किसी चीज़ से बाहर निकल रहे हो, डायरेक्शन इसका बाहर की तरफ को होगा जब भी एक्स वर्ड यूज़ होगा। ऑलराइट, फॉर एग्जांपल एक्सट्रोवर्ट। एक्सट्रोवर्ट का मतलब क्या है, एक्सट्रोवर्ट का मतलब है कोई ऐसा जो बहुत ही आउटस्पोकन हो, कोई ऐसा जो बहुत ज़्यादा, कोई ऐसा जो शाई ना हो, बहुत स्मार्ट हो और बात करने में, लोगों के साथ मिल जुलने में अच्छा लगता हो। ऑलराइट, नेक्स्ट है हमारा फैक या फैक्ट, जिसका मतलब है मेक या डू। ऑलराइट, कुछ करना, करने से रिलेटेड, ये एक डूइंग वर्ड है। फॉर एग्जांपल फैक्ट्री, फैक्ट्री ऐसी जगह है जहाँ पे लोग काम करते हैं। राइट, फंक्शन, फैक्ट से आएगा आपका
फैक्ट से फैक्ट्री जब आएगा मैं आपको बताऊंगी. सो फैक्ट या फैक्ट जब भी आता है आप ये बात क्लियरली समझ जाइएगा, ये किसी को, ये एक डूइंग वर्ड है. जैसे हमारा वर्ड आता है एक्ट, है ना, एक्ट भी एक डूइंग वर्ड है, राइट. इसका भी मतलब क्या है कि किसी काम के, किसी एक्शन के बारे में बात हो रही है. सेम चीज है फैक्ट के लिए भी. ऑलराइट, नेक्स्ट है हमारा फंक्ट. फंक्ट का मतलब है परफॉर्म करना या कोई काम करना. फंक्शन, हाउ आर यू फंक्शनिंग, हाउ आर यू फंक्शनिंग का मतलब है कि हाउ इज इट वर्किंग विद यू, राइट, आप काम कैसे कर रहे हो. नेक्स्ट है आपका फंक्शन का मतलब ये भी होता है, जैसे कोई इवेंट है, उनके घर पे इस चीज़ का फंक्शन है, उनके घर पे इस चीज़ का प्रोग्राम है. नेक्स्ट मैल फंक्शन, मैल फंक्शन का क्या मतलब होता है. अब ये बात अब समझ जाइए, मैल एक ऐसा वर्ड है, एक रूट वर्ड है मैल, और मैल का मतलब है मैल का मतलब है कि गलत काम, गड़बड़ काम हो रहा है. इन द सेंस कि मैल फंक्शन का मतलब जैसे नॉर्मली काम होना चाहिए वैसे फंक्शन वैसे नहीं हो रहा है, नॉर्मल से डिविएटेड है, नॉर्मल से डिफरेंट है, अब नॉर्मल की तरफ को है. मैल न्यूट्रिशन, मैल न्यूट्रिशन का मतलब है न्यूट्रिशन नहीं है, कम न्यूट्रिशन है. मैल न्यूट्रिशस का मतलब है कि आपकी बॉडी में न्यूट्रिशन की कमी है. मैल फंक्शन का मतलब है कि जैसे फंक्शन करना चाहिए वैसे नहीं हो रहा है, कुछ गलत हो रहा है. नेक्स्ट है हेट्रो. हेट्रो का मतलब है डिफरेंट. ऑलराइट, फॉर एग्जांपल हेट्रोनिम्स. हेट्रोनिम्स का मतलब क्या है, ये है आपका निम्स. हेट्रोनिम्स का मतलब है सेम स्पेलिंग के वर्ड्स लेकिन डिफरेंट मतलब. एक ही स्पेलिंग है लेकिन मतलब डिफरेंट है, ऐसे वर्ड्स को हम हेट्रोनिम्स बोलते हैं. नेक्स्ट है हमारा हेक्स या हेक्सा. हेक्स या हेक्सा का मतलब है सिक्स. ऑलराइट, हेक्सागन क्या होता है, हेक्सागन होता है ऐसा जैसे ट्रायंगल होता है वैसे. ट्रायंगल क्या होता है, ट्रायंगल ये होता है, राइट, थ्री कॉर्नर्ड आपका जो सब थ्री कॉर्नर्ड फिगर को हम बोलते हैं ट्रायंगल. वैसे हेक्सागन क्या होता है, हेक्सागन होता है जिसमें सिक्स कॉर्नर्स है, जिसमें यहाँ पे 1 2 3 हेक्सागन में सिक्स होंगे उसको हम बोलते हैं हेक्सागन. नेक्स्ट है हमारा हेक्सापॉड. हेक्सापॉड, पॉड क्या होता है, पॉड का मतलब है लेग्स. प्लीज ध्यान रखिए पॉड का मतलब है लेग्स. सो हेक्सापॉड का मतलब है छह पैर वाला. नेक्स्ट है हमारा हिस्टो. हिस्टो क्या है, ये मतलब है टिश्यू से रिलेटेड है. टिश्यू क्या होता है, नॉट द टिश्यू पेपर, हमारे जो स्किन है उसमें अंदर टिश्यूज होते हैं तो उससे रिलेटेड है. स्किन का हमारा रूट वर्ड क्या था, डर्मा, राइट. तो डर्मेटोलॉजिस्ट क्या होता है, डर्मेटोलॉजिस्ट होता है जो डॉक्टर्स होते हैं स्किन के. स्किन में अंदर जब आप बायोलॉजी पढ़ते हो, अगर आपने बायोलॉजी पढ़ी है तो आपको पता है स्किन में आप अंदर की तरफ को देखते हो तो उसमें टिश्यूज मिलते हैं आपको. सो उसके लिए उसको हम बोलते हैं हिस्टो. ऑलराइट, फॉर एग्जांपल हिस्टोलॉजी. हिस्टोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ द टिश्यूज इनसाइड. ठीक है, जो हमारे बॉडी में जो टिश्यूज है उसके बारे में बात हो रही है, टिश्यू पेपर या बाहर की किसी टिश्यू के बारे में बात नहीं हो रही है. नेक्स्ट वर्ड है हमारा होमो या होम्यो. इसका मतलब है सेम. ऑलराइट, फॉर एग्जांपल होमोजेनस. होमोजेनस का मतलब है कि सेम चीज, सेम ही चीज होती है या सेम फीचर्स वाले दो चीजें. ऑलराइट, सो हमारे आज के वर्ड्स है एस्थ या एस्थ, जिसका मतलब है ब्यूटी, फीलिंग ऑफ ब्यूटी. फॉर एग्जांपल एस्थेटिक. एथनो, पीपल लोगों के रेस के लिए यूज करते हैं एथनो. फॉर एग्जांपल एथनोसेंट्रिक. नेक्स्ट है हमारा यू फॉर गुड. इसका मतलब है गुड, एंड इसके लिए हम यूज़ करते हैं यूफोरिया. एक्स, एक्स जहाँ पर भी आता है समझ जाइए किसी ऑब्जेक्ट से बाहर की तरफ को वो जाएगा. फॉर एग्जांपल एक्सहेल. एक्सहेल मतलब है हमारी बॉडी से हम बाहर को जब सांस, मतलब हम एक होता है इनहेल करते हैं जब हम सांस अंदर लेते हैं, और हम जब सांस बाहर छोड़ते हैं उसको बोलते हैं एक्सहेल. एक्स्ट्रा या एक्स्ट्रो, इसका भी वही मतलब है. एक्स जहाँ पे भी आएगा डायरेक्शन हमेशा बाहर की तरफ को रहेगा. इनवर्ड्स का मतलब डायरेक्शन हमेशा अंदर की तरफ को रहेगा, जो भी ऑब्जेक्ट है उसके अंदर की तरफ को रहेगा. एक्स, एक्स जहाँ पे भी लगेगा वैसे ही
वो डायरेक्शन बाहर की तरफ को होता है. फॉर एग्जाम्पल एक्सट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट का मतलब है कि ऐसा कोई जो बहुत ही आउटस्पोकन है. आउटस्पोकन का मतलब जो बिल्कुल भी शर्माता ना हो, जो आराम से बात कर लेता हो, लोगों से बात करता हो. कई लोग होते हैं तो ऐसे लोग मिलते हैं जहाँ पे कई लोग हैं तो कोई मतलब लोग इतने वो नहीं होते, इतने कॉन्फिडेंट नहीं होते कि वो एक साथ कई लोगों से बात करें या पब्लिक में बात कर पाए. लेकिन ये लोग जो होते हैं एक्सट्रोवर्ट्स कौन होते हैं, इनको मज़ा आता है पब्लिक में बात करने में, ये कंफर्टेबल है लोगों से बात करने में. नेक्स्ट है हमारा फैक्ट, ये एक डूइंग वर्ड है जैसे एक्ट है, ये एक डूइंग वर्ड है जैसे एक्ट है. सो एग्जाम्पल क्या है, फैक्ट्री. नेक्स्ट है हमारा फंक्ट, जिसका मतलब है परफॉर्म करना या वर्क करना. इसका एग्जाम्पल है आपका मैल फंक्शन. नेक्स्ट हमारा हेट्रो, हेट्रो होता है आपका डिफरेंट के लिए. फॉर एग्जाम्पल हेट्रोनेम्स, हेट्रोनेम्स मतलब सेम वर्ड्स लेकिन डिफरेंट मीनिंग्स. नेक्स्ट है हेक्सा, जो सिक्स के लिए यूज़ करते हैं, जिसका मतलब है सिक्स. फॉर एग्जाम्पल हेक्सागन या हेक्सापॉड. नेक्स्ट है हिस्टो, हिस्टो क्या होता है, जो हमारे स्किन के अंदर जो हमारे टिश्यूज होते हैं उसके लिए हम यूज़ करते हैं हिस्टो, जिससे आता है आपका हिस्टोलॉजी. और नेक्स्ट है हमारा होमो या होम्यो, जो होता है हमारा होमोजेनस के लिए, जिसका मतलब है सेम. ऑलराइट, तो ये थे हमारे आज के 10 रूट वर्ड्स. प्लीज़ इनको कॉपी कर लीजिए या इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इनको लर्न करिए. जब तक आप लर्न नहीं करोगे तब तक आपकी इंग्लिश नहीं बनेगी. रूट वर्ड्स इकलौती चीज़ है इंग्लिश में जो आपको लर्न करनी है, बाकी का सब कुछ आपको समझाया जाता है. इट्स जस्ट लाइक मैथमेटिक्स. लेकिन जैसे मैथमेटिक्स में आप जब तक टेबल्स याद नहीं करोगे आपको नहीं आगे बढ़ पाओगे, आपको कैलकुलेशन में प्रॉब्लम होगी. वैसे ही ये मैथ्स का, ये इंग्लिश के टेबल्स हैं. इसको अगर आपने याद कर लिया प्रॉपरली तो फिर आपकी आगे की इंग्लिश बहुत ही इजी होगी, बहुत ही अंडरस्टैंडिंग होगी, आपको खुद समझ में आ जाएगी. नहीं तो आप हमेशा रटते रहोगे इंग्लिश. सो थैंक यू सो मच.